आज हम बात करेंगे टेलीविज़न की मशहूर एक्ट्रेस दिशा वकानी एके दया बहन के बारे में। अगर आप उनके फ़ैन हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम उनके लाइफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको पता नहीं होंगी। दिशा वकानी का जन्म 17 अगस्त 1978 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ड्रामेटिक आर्ट से करी थी। दिशा के पिता भीम वकानी एक गुजराती थिएटर आर्टिस्ट हैं। दिशा ने अपनी करियर की शुरुआत स्टेज एक्ट्रेस के रूप में करी। उन्होंने काफ़ी गुजराती थिएटर्स में काम किया है, जैसे कि कमल पटेल वर्सेस धर्मल पटेल और लाली लीला। उन्होंने कई बी ग्रेड्स मूवी भी की है, जिसके बारे में अब वो बात करना पसंद नहीं करती। इनमें से एक थी कमसिन द अनटस्ट। फिर उन्होंने देवदास और 14 अकबर जैसे बॉलीवुड मूवीज में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल किया। दिशा को 2008 में सब टीवी के तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ अपने बिग ब्रेक मिला। ये इंडिया का एक काफ़ी पॉपुलर सिटकॉम है और दिशा के दया बहन का रोल को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उन्हें काफ़ी प्यार मिलने लगा। इस शो में दया की रियल लाइफ ब्रदर मयूर वकानी उनके ऑन स्क्रीन ब्रदर सुंदरलाल के रोल कर रहे हैं। 24 नवंबर 2015 को दिशा ने मयूर पाडिया से शादी की। मयूर एक मुंबई बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 2017 में ये कपल एक बेबी गर्ल के पेरेंट बने। अपनी बेटी के जन्म के बाद दिशा ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा से ब्रेक ले ली और वापस नहीं लौटी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी फैमिली पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए शो से ब्रेक लिए। काफ़ी बार उनके कमबैक की खबरें सुनने को मिली, पर वो न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ ही रह गई और वो हमें अभी तक शो में वापस आते नहीं दिखी। मई 2022 में उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। दिशा वकानी के नेटवर्क 20 करोड़ के करीब है। उनके पास ऑडी Q7 और टोयोटा इनोवा कार्स हैं। इन कार्स का प्राइस 80.11 लाख और 27 लाख है। दिशा का मुंबई में एक लेविस 3 BHK फ्लैट है, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। दिशा वकानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोड़ने के बाद कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज का भी पार्ट बनी। 2017 में शो छोड़ने से पहले दिशा पर एपिसोड के 1.2 लाख रुपीज चार्ज करती थी, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। वो उस टाइम की टेलीविजन की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक थी। अकॉर्डिंग टू रूमर्स, अपने कमबैक के लिए दिशा ने सैलरी नेगोशिएशन किया और वो 1.50 लाख पर एपिसोड चार्ज करने की डिमांड की। इतना बड़ा जंप आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक बहुत बड़ी डिमांड थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा वो 6 PM के बाद शूट नहीं कर सकती। दिशा का कहना था कि वो अब सिर्फ सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहेगी। पर हम सबको तो पता ही है कि टेलीविजन शूटिंग ऐसे नहीं चलती। इसी वजह से दिशा का कमबैक पोस्टपोन हुआ एंड वो अभी तक हमें वापस शो पर नहीं दिखे। एक कंट्रोवर्सी तब हुई जब 2018 में दिशा को ऑनलाइन वल्गर कंटेंट में टैग किया जा रहा था। वो इस बात से काफ़ी परेशान थी। उन्होंने अपने फैंस और नेटिजन्स को वार्निंग दी कि ऐसा करना बंद कर दे। दिशा ने कहा, ये लास्ट वार्निंग है, मुझे किसी भी वल्गर इनअप्रोप्रिएट या ऑफेंसिव कंटेंट में टैग करना बंद कर दे। मुझसे रिलेटेड या मेरी कोई भी फोटो में आप मुझे टैग कर सकते हैं, पर इसके अलावा कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।